हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट थर्ड है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो। इससे पहले जो है दो वीडियो हमने बना चुके हैं जिसमें हमने 20 अकाउंटिंग टर्म्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज भी हम जो है आने वाले 10 अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और ये चैनल है VCIC गुरुजी। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार आप हमारे वीडियो में आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। चाहे आप CBSE, NIS या कोई भी स्टूडेंट हो और कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज के वीडियोज हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल में लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट। जो सबसे पहला हमारा टर्म है, या उससे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे कौन कौन से, चलिए हम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कौन कौन से टर्म्स आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आज जो हम टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे वो हैं वाउचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट, ट्रांजेक्शन, अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंटिंग टर्म्स है जो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है वाउचर। वाउचर क्या होता है कि बिजनेस में जब भी आप किसी को मैन्युअली पेमेंट करते हो, आप मैन्युअली किसी को कैश दे रहे हो बिजनेस से, वो कोई लेबर है या कोई गाड़ी वाला है या किसी को भी आपने पेमेंट करा है, तो उसके एविडेंस के लिए आप एक पीस ऑफ पेपर में मेंशन करते हो कि मोहनलाल को 10 अक्टूबर 2020 में 20,000 रुपीज आपने पेड करे और मोहनलाल को बोलते हैं इसमें साइन करिए और वो उसमें साइन कर देता है। तो ये क्रिएट हो जाता है एक वाउचर और वाउचर एक एविडेंस के रूप में काम करता है, यानी प्रूफ के रूप में काम करता है इन फ्यूचर कि अगर कोई डिनाय करता है कि मेरे को ये पेमेंट नहीं दिया है या अकाउंट्स में आपको शो करना है, जहां पर आपको फुल डिस्क्लोजर दिखाना है कि ये 20,000 रुपए कहां गया, तो वो वाउचर आप लोग वहां पर प्लेस करते हैं। तो वाउचर जनरली क्या है, अ पीस ऑफ पेपर इन विच वी मेंशन द अमाउंट विच वी पेड एंड ऑन विच पर्टिकुलर डेट, किस डेट में पेड करा और कितना पेड करा, उस पीस ऑफ पेपर को हम लोग यहां पर कहते हैं क्या, वाउचर। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक तरीके का, जैसे हम बोले कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो एक नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ब्रॉडली अगर आपको बताऊं कि जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हम लोग और उस गुड्स जब तक वो सेलेबल कंडीशन में ना आ जाए, जब तक वो बिकने वाली कंडीशन में फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यानी कि ऑल दोज अमाउंट, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच वी स्पेंट और इनकर्ड टिल द आइटम इज प्रिपेयर्ड फिनिश्ड, जब तक वो फिनिश नहीं बना है, फिनिश गुड्स तैयार नहीं हुआ है, तब तक जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं वो हमारा कहलाता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है, एक वर्ड तो था एक्सपेंस, एक है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस तो वो होता है जो आपने जो है पेड करा और वो एग्जॉस्ट हो गया, यानी आपने कोई सोप खरीदा, आपने उस सोप को यूज करा, साबुन खत्म हो गया, उसके बाद वो जो है हमारा एक्सपेंस हो गया, है ना। एक्सपेंडिचर वो होता है जब आप कोई अमाउंट स्पेंड करते हो और वो आइटम आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो उसपे जो पैसा लगाया जाएगा वो एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, आपने एक 20 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा, अब ये मशीनरी अगले 10 साल तक आप यूटिलाइज करोगे, तो 10 साल तक आप यूटिलाइज करोगे तो वो जो पैसा आपने लगाया है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपेंडिचर। यानी कि एनी अमाउंट विच वी स्पेंट और इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और समथिंग एल्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज, और लॉन्ग टर्म यूज के लिए, तो वो जो पैसा आपने लगाया उसे कहेंगे क्या यहां पर, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है कि जो कॉमन प्राइस होता है उस कॉमन प्राइस से लेस प्राइस पे जब हम कोई चीज सोल्ड कर रहे हैं, तो यानी कि हमने डिस्काउंट अलाउड करा है। क्या करा है, डिस्काउंट अलाउड। व्हेन वी सोल्ड एनी आइटम लेस देन द कॉमन प्राइस, जो उसका कॉमन प्राइस है उससे लेस देन में हम लोग उसे सोल्ड कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्काउंट। अच्छा, हम डिस्काउंट अलाउड भी कर सकते हैं और डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव कैसे करेंगे, मान लीजिए हम किसी से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम किसी से सामान खरीद रहे हैं और जो उसकी कॉमन वैल्यू है उससे वो लेस में दे रहा है हमको अगर, तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो दो है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड जो मैं कस्टमर को देता हूँ और डिस्काउंट रिसीव्ड जो मैं अपने सप्लायर से लेता हूँ। तो डिस्काउंट में भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दो रहेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसे बोलते हैं लेन देन।
बिजनेस में आपने पैसा डिपॉजिट करा, बिजनेस में कहीं से बैंक से पैसा निकाला, बैंक में डिपॉजिट करा, बिजनेस में किसी को पैसा दिया, किसी से लिया, एवरीथिंग जहां पे भी आपने कैश का लेना देना करा हो, ठीक है, या गुड्स को बेचा खरीदा, और उस लेन देन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजेक्शन। उसे क्या बोला जाता है बिजनेस की लैंग्वेज में, ट्रांजेक्शन, है ना। जितना जो भी चीज हमारा हुआ है उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आता है अकाउंट। अकाउंट होता है टी फॉर्म में होता है, इसमें दो साइड कर दिया जाता है, एक साइड डेबिट होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड क्रेडिट होता है। अगले किसी वीडियो में इसको बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, लेकिन जनरली आप ये समझ लीजिए अकाउंट वो होता है जहां पे हम हर चीज का उससे रिलेटेड जो भी पैसा गया है या आया है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे अकाउंट बोलते हैं। जैसे गुड्स, अब गुड्स स्टॉक का आप अकाउंट बना रहे हो कि कितना स्टॉक बिका, कितना स्टॉक आपने जो है खरीदा, ठीक है, या फिर आपने बोला कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मतलब इस पूरे महीने में आपके पास कहां कहां से कैश आया और कहां कहां पे कैश गया, तो उसका अकाउंट। अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं खाता। तो यानी कि हम लोग हर चीज का अकाउंट अकाउंटेंसी में बनाना पड़ता है और उसको जो है यहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं एक जगह में लाकर, तो उसे बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। मैन्युअली अगर हम देखें तो रजिस्टर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आया उसका जर्नल एंट्री बना दिया, फिर उसको पीएनएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, वो सब, तो वो सब हमारा क्या कहलाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट, कि ऑल द बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड समवेयर एल्स, दैट प्लेस इज नोन एज व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे बोलेंगे बुक्स ऑफ एंट्री। नेक्स्ट टर्म है क्या, एंट्री। अब एंट्री का मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, कुछ आपने कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा, लोन लिया, लोन को वापस लौटाया, बैंक में पैसा जमा करा, बैंक से पैसा निकाला, कुछ भी करा, एंड व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उस ट्रांजेक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है एंट्री। क्या बोलते हैं, एंट्री। नेक्स्ट दो वर्ड है, एक साथ दूंगा इन दोनों को, डेबिट एंड क्रेडिट। जनरली यहां पे अगर हम बोलें कि डेबिट, तो बिजनेस में अगर हम मोटा मोटा ये समझ लें कि जब भी कोई चीज बिजनेस में रिसीव्ड होती है, कोई भी चीज बिजनेस में आती है, तो वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं अकाउंट्स, और जब भी बिजनेस से कोई चीज जाती है तो वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अकाउंट जो हम अकाउंट बनाते हैं टी फॉर्म में, उसके दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना। इसके अलावा भी डेबिट बहुत चीजों में यूज होता है, जो ब्रॉडली जब हम पहुंचेंगे वहां तक तो यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, ये थे आज के 10 अकाउंटिंग टर्म्स। कैसे लगे आपको? अगर पसंद आए हो तो जो है आप हमको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए VCIC गुरुजी चैनल को, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।